इधर पिच्छू को देखो, ये जो पत्थर हाथ दिलाती वो मई चू इधर आओ। हम भी जीता जागता हस्ती है। रुको पहचान करा था, मेरा नाम है कोक और मैं यहाँ का समझो नवाब भाई। मैं पूरा पत्थर का बना है, दिखता है ना? पर पत्थर का देख के घबराना ना को, तुम्हारा बॉडी शीशे का तो नहीं बनाना बिरादर। क्या जोक मारा मैं, लेकिन तेरे को समझाना ही। मैंने बगावत शुरू करने का ट्राई किया पर कोई आया ही नहीं, पर्चे कम पड़ गए ना। बस एक मेरी मम्मी और उनका आशिक आया टर्की कहीं का, और फिर इधर को मेरे को भेज दिया पहलवान बना के। मेरा बगावत का आइडिया ही फ्लॉप हो गया। यहाँ कोई है जो ग्रैंड मास्टर के चैंपियन से लड़ा हो? डग लड़ा ना डग। अरे नहीं, वो तो लुढ़क गया। चैंपियन से जो भी लड़ता है वो उठता नहीं मियाँ, उठ जाता है। और तुम तो पत्थर हो। पत्थर भी तो टूटती है ना, ये देखो एक और गिरा। अरे छोड़ो मियाँ, ये पूरा जगह एक चक्कर है, मतलब असली वाला नहीं, वो जंतर मंतर वाला चक्कर मियाँ। बड़ी बेतुकी जगह है। हाँ, यहाँ किसी भी बात का तुक नहीं बनता, बस एक ही सेंस है कि सब नॉनसेंस है। रुको मियाँ, तुम उससे तो नहीं भिड़ने वाला? हाँ भिड़ूंगा, लड़ूंगा, जीतूंगा और फिर यहाँ से फुर। डग मियाँ भी ऐसा ही बोला करते थे, फिर मिलेंगे नए डग। जा रहे भूतनी के, गया माटी मेला। और मियाँ लकड़ी का कांटा लेते क्या? नहीं। बरोबर है, क्या फायदा, ये तभी काम आता जब तीन चिपकी चुड़ैल से लड़ाई हो ना। नहीं, हथौड़े के पंख नहीं होते। अभी तो बोले वो तुमको उड़ाता। ना ना ना, मैं उसे पकड़ के जोर जोर से घुमाता और वो मुझे यूं पर। मियाँ हथौड़ा है या माशुका? ऐसा लगता तुम्हारा हथौड़े के साथ बहुत मोहब्बत होना, और उसके बिना तुम ही मजनू की माफी कैसा तड़प रहे मियाँ। कौप कौन है? कौन पूछता, अपन को मालूम तुम ही पूछती, पर अपने वास्ते पूछती या किसी और के वास्ते? तूफान के नेता ने सलाम भेजा है। बगावत शुरू हो गई रे मियाँ। क्या मियाँ? आए कोक, ये मीक, हम लोग उड़ी मार के जहाज पे जाते, तुम आते क्या? ज्यादा नुकसान नहीं हुआ मियाँ, जब तक नींव सलामत है अपन फिर से ये जगह बना सकते हैं। अभी कुछ नहीं हो सकता मियाँ, माफ करना। मीक, तुम कहाँ के रहने वाले हो? ओ मीक तो खल्लास। ओ, उधर ब्रिज पे गलती से मेरे पाँव के नीचे आ गया, मेरा तो दिल ही टूट गया, तभी इसलिए घूमता। इधर पिच्छू को देखो, ये जो पत्थर हाथ दिलाती वो मई चू इधर। आओ हम भी जीता जागता हस्ती है। रुको पहचान करा था, मेरा नाम है कोक और मैं यहाँ का समझो नवाब भाई। मैं पूरा पत्थर का बना है, दिखता है ना? पर पत्थर का देख के घबराना ना को, तुम्हारा बॉडी शीशे का तो नहीं बनाना बिरादर। क्या जोक मारा मैं, लेकिन तेरे को समझाना ही। मैंने बगावत शुरू करने का ट्राई किया पर कोई आया ही नहीं, पर्चे कम पड़ गए ना। बस एक मेरी मम्मी और उनका आशिक आया टर्की कहीं का, और फिर इधर को मेरे को भेज दिया पहलवान बना के। मेरा बगावत का आइडिया ही फ्लॉप हो गया। यहाँ कोई है जो ग्रैंड मास्टर के चैंपियन से लड़ा हो? डग लड़ा ना डग। अरे नहीं, वो तो लुढ़क गया। चैंपियन से जो भी लड़ता है वो उठता नहीं मियाँ, उठ जाता है। और तुम तो पत्थर हो। पत्थर भी तो टूटती है ना, ये देखो एक और गिरा। अरे छोड़ो मियाँ, ये पूरा जगह एक चक्कर है, मतलब असली वाला नहीं, वो जंतर मंतर वाला चक्कर मियाँ। बड़ी बेतुकी जगह है। हाँ, यहाँ किसी भी बात का तुक नहीं बनता, बस एक ही सेंस है कि सब नॉनसेंस है। रुको मियाँ, तुम उससे तो नहीं भिड़ने वाला? हाँ भिड़ूंगा, लड़ूंगा, जीतूंगा और फिर यहाँ से फुर। डग मियाँ भी ऐसा ही बोला करते थे, फिर मिलेंगे नए डग। जा रहे भूतनी के, गया माटी मेला। और मियाँ लकड़ी का कांटा लेते क्या? नहीं। बरोबर है, क्या फायदा, ये तभी काम आता जब तीन चिपकी चुड़ैल से लड़ाई हो ना। नहीं, हथौड़े के पंख नहीं होते। अभी तो बोले वो तुमको उड़ाता। ना ना ना, मैं उसे पकड़ के जोर जोर से घुमाता और वो मुझे यूं पर। मियाँ हथौड़ा है या माशुका? ऐसा लगता तुम्हारा हथौड़े के साथ बहुत मोहब्बत होना, और उसके बिना तुम ही मजनू की माफी कैसा तड़प रहे मियाँ। कौप कौन है? कौन पूछता, अपन को मालूम तुम ही पूछती, पर अपने वास्ते पूछती या किसी और के वास्ते? तूफान के नेता ने सलाम भेजा है। बगावत शुरू हो गई रे मियाँ। क्या मियाँ? आए कोक, ये मीक, हम लोग उड़ी मार के जहाज पे जाते, तुम आते क्या? ज्यादा नुकसान नहीं हुआ मियाँ, जब तक नींव सलामत है अपन फिर से ये जगह बना सकते हैं।
पाऊ। अभी कुछ नहीं हो सकता मियाँ, माफ करना। मीक, तुम कहाँ के रहने वाले हो? ओ, मीक तो खल्लास। ओ। उधर ब्रिज पे गलती से मेरे पाँव के नीचू आ गया, मेरा तो दिल ही टूट गया, तभी इसलिए घूमता।